अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज रिजवानुल हक, आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। ब्रिटिश कोलंबिया में जो है ग्राउंड रन हो चुका है, जिसमें 284 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। राउंड रन हुआ है फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। जो आप पॉइंट्स क्लेम करते हैं वो वही फैक्टर्स वही हैं। टोटल जो इस वक्त तक जो पॉइंट्स जिनके ऊपर ये राउंड जिसमें लोग सिलेक्ट हुए हैं वो 85-110 जिनके पॉइंट्स थे उन लोगों को सिलेक्ट किया है। और ये राउंड जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया ने अपनी प्रायोरिटी स्ट्रीम के अंदर जिन लोगों के ऑक्यूपेशंस फॉल करते हैं उन्हें सिलेक्ट किया, और ब्रिटिश कोलंबिया की अपनी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है उसके अंदर लोगों को सिलेक्ट किया है। टोटल अब तक 2020 के अंदर जो है वो 585 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं इन ब्रिटिश कोलंबिया। पॉइंट्स जो हैं वो किन चीज़ों के आप क्लेम करते हैं, अपनी एज के, अपनी क्वालिफिकेशन के, अपने एक्सपीरियंस के और अपने आयल्स के। और इसके अलावा आपको ब्रिटिश कोलंबिया में जाने के लिए जॉब ऑफर की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो यस, आप ब्रिटिश कोलंबिया माइग्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया ने एक न्यू अनाउंसमेंट की है फॉर ये तो बात होगी स्किल्ड इमिग्रेशन की। बिजनेस इमिग्रेशन में ब्रिटिश कोलंबिया में जाने के लिए इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन और आप बिजनेस के तौर पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए पॉसिबल है। आपने सर्टेन इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अमाउंट थ्रेशोल्ड जो है वो $1,00,000 से लेके $2,00,000, $3,00,000, $4,00,000 तक का थ्रेशोल्ड होता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें एक आयल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, वो अब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो सेट कर दी गई है। CLB 4 आपको रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो दूसरी चेंज आई है एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन के अंदर वो आई है कि आपको जो की स्टाफ मेंबर की एप्लीकेशन आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ले जा सकते थे, कोई एक स्टाफ मेंबर भी आप साथ ले जा सकते हैं, वो प्रोविज़न जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ये थी एक क्विक अपडेट ऑन ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा भी कनाडा में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है, जहाँ पे जॉब ऑफर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सस्कैचुअन है, नोवा स्कॉशिया है, अल्बर्टा है, और आने वाले दिनों में जो है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, मैनिटोबा है, और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्यूबेक जो है वो इनको ज्वाइन इन कर लेगा। सो स्टे ट्यून्ड, हम आपको बताते रहेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इमिग्रेशन वर्ल्ड। आप कनाडा को भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी देख सकते हैं, न्यूजीलैंड को भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। क्या हो रहा है इमिग्रेशन की दुनिया के अंदर, ये सब कुछ जो है वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को फॉलो कर लें वहाँ पे, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन इमिग्रेशन तो आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं, आप हमें अपना CV सेंड कर सकते हैं @vk@immigrationexperts.pk, आप हमें हमारा जो है वो कॉल कर सकते हैं @0308585777 या 0306585777। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।